में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है अंगुलीमाल, गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल। गौतम बुद्ध एक बार वैशाली नगर से जा रहे थे, तभी उस गांव के लोग उन्हें कहते हैं कि वो इस रास्ते से ना जाए, वहाँ यहाँ पे अंगुलीमाल रहता है। और फिर वो हंसते हैं और कहते हैं कि मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। वो पहुंचते हैं, अंगुलीमाल हंसता है हा, और फिर वो हैरान हो जाता है। गौतम बुद्ध हंसने लगते हैं और फिर अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पास जाता है। गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तू बहुत ज्यादा ताकतवर है, तू कुछ भी कर सकता है। अंगुलीमाल कहता है हाँ सही सुना है। गौतम बुद्ध कहते हैं अगर तू इतना ही कर सकता है तो फिर उस पेड़ के पत्ते, तीन पत्ते तोड़ के ला और मुझे दे। वो कहता है कि बस इतना, और फिर वो झटपट जाता है और झटपट लाता है। वो गौतम बुद्ध को तीन पत्ते देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब इन्हें जोड़ के दिखा। वो अंगुलीमाल हंसता है हा, और कहता है ये पागल है क्या, ये पत्ते अब टूट चुके हैं, अब इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुझे इन पत्तों को जोड़ना नहीं आता तो फिर तूने इन्हें तोड़ा ही क्यों। वैसे ही अगर तुझे इंसानों को जीवन दान नहीं देना आता तो फिर तू उन्हें मारता क्यों है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें जोड़ना नहीं आता तो फिर हमें तोड़ना भी नहीं चाहिए। थैंक यू।